ᱛᱮᱧ ᱟᱵᱤᱰᱤᱭᱚ ᱨᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱵᱟᱵᱟ ᱛᱤᱞᱠᱟᱹ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱢᱟᱦᱟ ᱥᱟᱶ ᱠᱳᱪᱤᱝ ᱠᱞᱟᱥ ᱨᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱪᱟᱞ ᱡᱚᱭᱚᱱᱛᱤ ᱢᱟᱱᱟ ᱨᱮ ᱦᱮᱸ ᱵᱤᱰᱤᱭᱚ ᱧᱮᱞ ᱟᱠᱟ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱟᱨ ᱤᱭᱟᱹ ᱵᱟᱵᱟ ᱛᱤᱞᱠᱟᱹ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱛᱚ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱮᱦᱚᱵ ᱮᱱᱟ ᱛᱤᱞᱠᱟᱹ ᱵᱟᱵᱟ ᱢᱩᱴᱷᱟᱹᱱ ᱨᱮ ᱢᱟᱞᱟ ᱟᱨᱟᱣ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱪᱟᱞ ᱟᱨᱵᱤᱱ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱫᱚ ᱜᱩᱨᱩ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱮᱠᱟᱰᱮᱢᱤ ᱠᱳᱪᱤᱝ ᱠᱞᱟᱥ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱤᱫ ᱢᱟᱪᱮᱫ ᱮ ᱧᱟᱢ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱡᱚᱭᱮᱱ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱸ ᱥᱟᱶᱨᱮ ᱵᱟᱵᱟ ᱛᱤᱞᱠᱟᱹ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱢᱟᱦᱟ ᱥᱟᱶ ᱚᱱᱟ ᱢᱟᱱᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱜᱮ ᱟᱨ ᱧᱮᱞ ᱟᱠᱟ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱯᱮ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱛᱚ ᱦᱤᱱᱫᱤ ᱛᱮ ᱦᱟᱸᱜ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱦᱤᱱᱫᱤ ᱛᱮ ᱨᱚᱲ ᱟᱠᱟᱱᱟ फुल कस्टम लेना है जरा देर नहीं चलो अंजलि जयंती मना रहे हैं और ये बाबा तिलकामा जी ये भारत के स्वतंत्रता का प्रथम सेनापति प्रथम सेना जिसको इतिहास में कभी ज्यादा स्थान नहीं दिया है पर भी ये भारत के जितना भी लड़ाई शुरू हुआ अंग्रेजों के विरुद्ध में यही प्रथम इनका जन्म भी 1750 ईस्वी में हुआ था और आज का दिन 11 फरवरी और इसी 11 फरवरी के बाद ठीक 1769 के आसपास में वो लड़ाई शुरू किया और 84 के 1783-84 के अंतर्गत काफी दूर तक मैंने यहाँ पूरा संथाल प्रकरण से लेकर भागलपुर तक उस समय जो भी हाईकोर्ट या अदालत था दुमका में नहीं था सब भागलपुर में ही था और जब लड़ाई लड़ा ये कई प्रकार से लड़ाई लड़ा ये जैसा बोलते हैं ना मैंने लोगों के सामने कभी कभी प्रकट नहीं होता है कब प्रकट होगा कब लड़ाई लड़ता है कब क्या होता है इस तरह से लोगों के भीतर में था कि ये इनमें एक देवगुण का जो शक्ति था वो भी था बोलता है ये सही बात भी है कि इसको कहा कि आप तो साधक हैं बहुत बड़ा साधु भी हैं और बराबर वो सादा कपड़ा ही पहनता था और सादा कपड़ा मैंने धोती था और पगड़ी था और कभी कभी ये कोई भी कपड़ा नहीं उसी एक कपड़ा से ही अपना गांधी जी का जैसा रहता था मैंने इस रूप में जब उसको कहा गया कि आप ठीक है एक बकरी को लोग लाया मैंने लोहा का और लगता है कि बकरी लोहा का खाता कैसे जाएगा तो उसके पास बोलता है कि आप तो बहुत शक्तिशाली है ये बांसुरी से काटिए बोले ठीक है बांसुरी से भी काटेंगे और तीर से भी मारेंगे जैसा बोलेगा वैसा करेंगे पहले तो तीर से मारा तीर वो लोहा में बना हुआ लोहा में कोई छेद नहीं कर सकता है किंतु उन्होंने छेद कर दिया मैंने भीतर घुस दिया घुसा दिया और किस तरह से वो बांसुरी से भी उसका गला को काट दिया तो इस तरह का उसमें शक्ति था
और अकाल के समय में जो करीबन 80 के आसपास काफी अकाल हुआ था, पूरा संथाल परगना भागलपुर से लेकर सारा क्षेत्र में उस समय अकाल भी पड़ा। और बुढ़ान सर, मेरे प्यारे भाई बहनों और मित्रों और छोटे छोटे बच्चे जितने भी हैं, सबको तिलका जयंती की बधाई और जोहार। अच्छा, अभी हम लोग तिलका जयंती तो हम लोग सेलिब्रेट कर दिए, उसके साथ साथ हम लोग एक और प्रोग्राम सेलिब्रेट करने वाले हैं। सेलिब्रेट प्रोग्राम ये है कि हम लोग के कोचिंग क्लास के एक विद्यार्थी है, वही स्टूडेंट है जिनने अपना क्या बोलेंगे टीचर्स की नौकरी में सफलता पाई, तो उसी को सम्मानित करने के लिए ही आज हम लोग कुछ प्रोग्राम किए। ठीक है, पहले सम्मानित किया जाए कि पहले बोला जाए कुछ उपस्थित रेस्पेक्टेड माननीय सर, बुढ़ान सर और जितने भी गुरुगण के कोचिंग के रेस्पेक्टिव टीचर सभी को, आज साथ ही साथ जो भी पीछे बैठे हैं सारे दोस्त, आप सभी को भी मेरा तहे से प्रणाम एंड नमस्कार जोहार। आज यहाँ तक आने के जो ये है वो बहुत मेहनत हुआ है, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट है जो हम उतना लेट भी नहीं है, एवरेज स्टूडेंट है, और मैट्रिक भी मेरा जो पढ़ाई था उतना खास नहीं था, परसेंटेज भी उस वक्त बहुत कम आया था, तो एक साल मेरे जितने भी दोस्त थे उनका परसेंटेज काफ़ी हाई था, तो वहाँ हमको थोड़ा सा उस वक्त जो है सबसे हमको लगा था कि हम पीछे क्यों हो गए। तो हम मैट्रिक तो उतना खास नहीं हुआ, लेकिन इंटर से मेरा पढ़ाई जो है हम वहाँ से शुरू किए, और पढ़ाई करते गए दोस्त लोग बोलूँगी जितने भी मेरे हैं सब वो अच्छे अच्छे ये पे अभी तक सब है, रेलवे में है, बैंक में है, और लास्ट में मेरा ही जॉब हुआ है अभी जो रिसेंट सबसे नवंबर से ज्वाइन किया है, और ग्रेजुएशन भी काफ़ी जैसे ही हुआ है, क्योंकि उस वक्त इंग्लिश का भी ज़्यादा नॉलेज नहीं था, हम इंग्लिश का अलग से पढ़ाई करने लगे, उनका अलग से एक्स्ट्रा क्लासेस किए, और ग्रेजुएशन पास करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएट किए कॉम्पिटिव कॉलेज से, उसके बाद फिर दोबारा हमने संथाली से भी एमए किया कल्याण यूनिवर्सिटी चाणक्य से, और उसके ये होने से हम श्यामा प्रसाद में रिक्रूटमेंट निकला ही हुआ था वहाँ 2014 में, तो वहाँ इंटरव्यू दिए, तो उस वक्त इंटरव्यू उतना खास नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी वहाँ के प्रिंसिपल को थोड़ा अच्छा लगा, तो फिर हमको 2015 से हम वहाँ ज्वाइन किए, और वहाँ इंटरमीडिएट को हमने पढ़ाना शुरू किया, और वहाँ करीबन 5 साल थे 2020 तक, और इसी बीच में ही हम बीएड भी किए सिद्धार्थ कॉलेज ऑफ एजुकेशन आदिपुर से, तो सर भी वहाँ बहुत सपोर्ट किए हमको कि जितने भी मेरा स्कूल का कॉलेज का जो भी पीरियड था पढ़ाने का, हमको सुबह 7:30 बजे से 10 बजे तक सारा पीरियड हमको देते थे, मतलब हमको कॉमर्स का लेना पड़ता था और आर्ट्स का, मतलब सुबह हम 4 पीरियड पढ़ा के फिर हम बीएड क्लास जाते थे 10 बजे, वहाँ हमेशा लेट पहुँचते थे हर रोज़ 11 बजे, वहाँ प्रिंसिपल परेशान, टीचर्स भी परेशान होते कि आपको ऐसा नहीं अलाउ करेंगे, फिर हमने वहाँ ये किया कि सर को हमको सर हमको वहाँ अलाउ नहीं कर रहे हैं, हमको छोड़ना पड़ेगा,
फिर सर हमको बोले कि नहीं आप एक लेटर यहाँ से लेके जाओ वहाँ के प्रिंसिपल को दे दो। फिर हमने वहाँ सर से वो प्रिंसिपल से लेटर लिखवा के हम वहाँ से प्रिंसिपल को दिए। उसके बाद जाके वो एक्सेप्ट किया सर ठीक है आप आइए लेकिन आपका जो भी टास्क दिया जाएगा आप उसको अच्छे से निभाइए। तो उस समय भी बहुत क्योंकि सुबह आपको 7:30 बजे से जाना होता था 4 बजे 4:30 बजे आते थे फिर स्कूल का जितने भी काम होता था वो पढ़ाई होता था और साथ ही बीएड का पढ़ाई एकदम बिल्कुल अलग लेवल का होता है। हर रोज़ आपको क्या है कि उस वहाँ रिप्रेजेंट करना होता है कोई एक टॉपिक पे दिया जाता है उस टॉपिक पे हम लोग को फिर किसी प्रोजेक्ट बनाते थे और उनको प्रेजेंट करते थे। एवरी सैटरडे हम लोग को क्लास में जो है वो बोलना होता था। इसलिए बोल रहा क्योंकि वहाँ कि एक टीचर का क्या है कि आपको कितनी ज़्यादा आप बोल पाएंगे वो चीज़ को डेवलप करने के लिए वो हर सैटरडे को होता था और ये बीएड से हमको काफ़ी फायदा हुआ है और उसको हम बहुत क्या अच्छे ढंग से भी हम किए। फिर 2020 के बाद से यहाँ हमने छोड़ दिया फिर से नेताजी पब्लिक स्कूल परसुड़ी में ज्वाइन किए और वहाँ ज्वाइन करने के बाद फिर लास्ट में जो है जब यहाँ हो गया तो हमने यहाँ ज्वाइन किया। तो पढ़ाई जो है संघर्ष क्या है कि कंटिन्यू करते रहना चाहिए। एक समय ऐसा हुआ था कि हम शायद हमको हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि सब दोस्त जो है मेरा 2016-17 में सारे दोस्त जो है जॉब में नहीं गए थे हम अकेले बच गए थे। तो थोड़ा सा लगता था कि पता नहीं हो पाए कि नहीं हो पाए कि नहीं पर घर में भी सब कोई बोलते थे कि धैर्य रखो। हाँ ये धैर्य बहुत बड़ा ये है जिसके पास अगर पेशेंस नहीं होगा तो फिर वो क्या है कि आगे बढ़ना भी थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो वो पेशेंस रख के जो है उसको उसी के साथ में एकदम कंटिन्यू करते गए और आज बहुत खुशी लग रहा है कि हम यहाँ ज्वाइन किए और आप सभी को भी यही मैसेज हम देंगे कि पढ़ाई जो है ग्रुप स्टडी कीजिए। हम लोग जितने भी किए हैं सब हम लोग के मेरे दोस्त दोस्त जितने थे पहले हम लोग CKP में रहते थे वहाँ हम लोग मेरा 7-8 दोस्त थे तो वहाँ से यहाँ आने के बाद मेरा जो एक ग्रुप था वो ग्रुप मेरा बिछड़ गया था। इसके चलते जो है हमको देखिए हम लोग संघर्ष क्या किया है देखिए नहीं थोड़ा ज़्यादा संघर्ष करने के बाद सफलता है। इसके चलते यहाँ हमको ग्रुप बनाने हम कोशिश किए थे बहुत सारे दोस्त पर पता नहीं हम दोस्त लेकिन मेरा बहुत ही कम है हम कभी दोस्त उतना जल्दी नहीं बना पाते हैं। दोस्त नहीं बना पाए लेकिन आगे दोस्त आता है। उसके बाद यहाँ हम ये किए कि नहीं हमको एक ज्वाइन करना चाहिए यहाँ मेरी सिस्टर भी ज्वाइन करती थी तो उन्होंने बोले कि वहाँ ज्वाइन करो वहाँ कंटिन्यू रहेगा तो बहुत अच्छा ये है। तो हमने फिर यहाँ अगर जून से यहाँ शुरू किए और सर लोग बहुत कॉपरेटिव है हर एक चीज़ पे एकदम बारीकी से बताते थे जितने उसके काज में भी ये हैं उनको क्या है कि कंटिन्यूस हम यहाँ पढ़ के जो है घर में उनको पढ़ते हैं ये नहीं है कि हम यहाँ पढ़ दिए और घर में जाके हम दूसरा चीज़ पढ़े ऐसा नहीं है। जो हम यहाँ पढ़ते हैं उसी को ही घर में जाके दोबारा रिपीट करते हैं ताकि वो चीज़ मेरा क्या हो जाए फिर याद रह जाए वो भूले नहीं। तो इस तरह से आप लोग जो भी ग्रुप स्टडी कीजिएगा अरे ग्रुप स्टडी करेंगे तो आपका क्या है कि इसमें पता चलेगा मेजरमेंट होगा कि हम किस तरह से हम सॉल्व कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं एक दूसरे के साथ आप लोग जो है डिस्कशन बहुत जरूरी है। तो यहाँ आके हमको यही तो बहुत बड़ा फायदा हुआ है और जितने हम लोगों के फेस में थे वो सब शायद कोई नहीं है एक है समरेंद्र है और इधर से क्या नाम है वो नाम बोलिए कुंवर है और ये वैसे नहीं है ना हाँ सारे और बाकी सब तो कोई आए नहीं है वो शायद छोड़ दिया ना सर क्या पता है अच्छा तो अच्छा पीछे और दो जन हैं हाँ दोनों काम भूल जा रहे हैं
ठीक है, आप लोग भी ऐसे ही मेहनत करते रहे, कंटिन्यूस कीजिएगा, कहीं स्टॉप नहीं होना है, तभी तक है कि मतलब एक ये तक पहुंच पाएगा। जन्मदिन है जिन्होंने अपने देश को बचाने के लिए एक अकेले एक ऐसा इंसान जो कि उसके साथ कोई नहीं थे, वो उस वक्त प्रथम मतलब अगर आप बोलेंगे क्रांतिकारी भारत को बचाने में जो है इनका योगदान बहुत पहले रहा है। आज भी हिस्ट्री में अगर देखेंगे कि इनका इतना ज़्यादा जिक्र किसी भी चीज़ पे नहीं है, किसी भी चीज़ पे कहीं भी शायद इनका कोई उस तरह का मैसेज अभी तक इनको मतलब वो स्थान नहीं दिया गया है, नहीं दिया गया है, लेकिन लेकिन इसको वो उपलब्धि जरूर वो मिलनी चाहिए। और इनको इतना जो भी हम लोग आज का रिसर्च भी कर रहे हैं तो इनका वो ये तक में रहना चाहिए। तो इसी के साथ हम अपना बातें ख़त्म करते हैं। तो नहीं ना गया नेक्स्ट वीडियो रे नेला बोले।